टू डेटा यूजिंग आर tidyverse. हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन टू डेटा यूजिंग स्टेटा वाली वीडियो देखी आर की एक टाइडीवर्स ने पैकेज बनाया जो कि बहुत यूजर फ्रेंडली है तो हम टाइडीवर्स के थ्रू करेंगे रादर देन बेस पैकेज के थ्रू करें तो लोग पूछते हैं कि जी आर कहां से सीखें आर को कहां से स्टार्ट करें तो इफ दे गो टू माई चैनल जाहिद असगर YouTube तो यहां पे एक प्ले लिस्ट मिलेगी यहां से आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी लर्निंग आर लर्निंग आर इन एन ईजी वे तो अगर आप इस प्ले लिस्ट पे क्लिक कर देंगे तो यूल सी सो मैनी वीडियोज तो आर इंस्टॉल इंस्टॉल करने से लेके आन वर्ड जो है ये एक प्रोसेस है तो ये आपको जो है बारह पंद्रह वीडियोज मिल जाएंगी तो यहां से आप स्टार्ट ले सकते हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे भी बहुत सारी बातें नहीं कर पाऊंगा तो हम इस वक्त जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा ठीक है लैब जो कि आपके पास जो है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग की हमारे पहले चार लेक्चर पे बेस्ड है तो हम यहाँ पे सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करने हैं क्या करना है तो मैंने जैसे कहा कि प्लीज़ वॉच द वीडियोज जो मैंने अभी आपको प्ले में बताए हैं तो अगर ये पैकेज आपका इंस्टॉल्ड है टाइडी वर्स तो हम कहते हैं लाइब्रेरी टाइडी वर्स और अगर नहीं इंस्टॉल था तो आपको यहां पे इंस्टॉल डॉट पैकेजेस में प्रस में लिखना है इन्वर्टेड कॉमास में टाइडी वर्स तो ये फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एनी ओ मेरे पास इंस्टार्ड है इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर रहा आपको पैकेजेस के बारे में आर के बारे में आर स्टूडियो के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज गो टू दैट प्ले, आ, प्लेलिस्ट और वहां से आप वो वीडियोस देख लीजिए इस वक्त हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने डेटा को क्वान्टिटेटिव डेटा को और कैटेगोरिकल डेटा को कैसे एक्सप्लोर करते हैं तो हमने यूज की लाइब्रेरी टाइडी वर्स प्रेस कर दिया लाइब्रेरी ओपन इंट्रो कुछ तो जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो कौन सी है ओपन इंट्रो तो डेटा जो पास है वो मिल जाएगा तो ये फर्स्ट लैब हमारी चल रही है और मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि आर के मेरिट्स क्या है ठीक है आर कैसे जबरदस्त किस्म के डॉक्यूमेंट्स जनरेट कर सकता है जो बाकी जगहों पर उस तरह से नहीं होते तो डेटा हमारा जो है वो न्यूयॉर्क सिटी फ्लाइट्स डेटा है अगर अब आप इसको जो है वो एंटर करें तो आप देखेंगे तो हर हर वेरिएबल की फर्स्ट टेन रोज डिस्प्ले हो जाएंगी हर वेरिएबल की फर्स्ट टेन रोज डिस्प्ले हो जाएंगी तो यहाँ पे और आप अगर इसको व्यू करना चाहें पूरे डेटा को तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे ईयर है 2013 का ये डेटा है मंथ्स हैं उस मंथ के किस डे की फ्लाइट है डिपार्चर टाइम है डिपार्चर डिले है अराइवल टाइम है अराइवल डिले है जो आपकी जो आपकी है वो एयर कंपनी कौन सी थी टेल नंबर है फ्लाइट, आ, फ्लाइट है ओरिजिन है डेस्टिनेशन है एयर टाइम है डिस्टेंस है आवर्स है मिनट्स है तो ये हमारा डेटा है अब हमने यहां पे नेम्स ऑफ तो ये वेरिएबल्स जो है हमारे पास क्या है ईयर मंथ डे डिपार्चर टाइम डिपार्चर डिले तो अब आप, आप देखिए तो डिपार्चर टाइम तो ये तो आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है नेम है डिपार्चर डिले कितने मिनट्स का डिले है तो ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है अराइवल टाइम कैटेगोरिकल होगा राइवल डिले कितना डिले है ये आपका कंटिन्यूस वेरिएबल है कैरियर तो PIA या कोई और जो है वो एयरब्लू या इतिहाद एयरलाइन या कतर एयरलाइंस तो ये सारी की सारी नंबर नेम्स हैं तो इसलिए ये भी कैटेगोरिकल है तो ये आपको देखना है अगर आपको डेटा के बारे में नहीं पता कि जी ये न्यूयॉर्क सिटी फ्लाइट्स डेटा क्या है तो अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा के न्यूयॉर्क सिटी फ्लाइट्स डेटा लिख देंगे तो ये डेटा की पूरी डिस्क्रिप्शन आ गई तो यू कैन तो तो गो थ्रू रीड इट अच्छा जी अगर हमने इस डेटा की एक जनरल ओवरव्यू लेना है हम इसका पे ग्लिम्प्स लेना चाहते हैं तो ये आपके पास इसका आपके पास ओवरव्यू आ गया कि जी ये आपके पास जो है वो 32735 ऑब्जर्वेशंस हैं 16 वेरिएबल्स हैं और ये इंटीजर वेरिएबल है इंटीजर वेरिएबल है डबल वेरिएबल है डबल वो वेरिएबल है जो कंटिन्यूस है और नमेरिकल है इंटीजर जो है वो आपके पास डिस्क्रीट और आ, 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 नमेरिकल है करेक्टर वेरिएबल जो है वो हमने कहा था कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो इस तरह से आपके पास आ, आ, डेटा शो हो रहा है अब हमने पहली जो चीज करनी है कि जी हम जो है वो न्यूयॉर्क सिटी डेटा का जो डिपार्चर टाइम डिले है उसको जो न्यूयॉर्क सिटी फ्लाइट्स का डेटा है डिपार्चर डिले जो है उसकी हमने ग्राफ बनाना है तो जैसे मैंने एक बताया था कि कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए सिंगल वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए हिस्टोग्राम होती है तो यहां पे हमने जी जी प्लॉट जो कि लाइब्रेरी जी जी प्लॉट टू से आता है डेटा आपके पास आ गया हमने एक्स जो है डिपार्चर डिले है और ज्योम हिस्टोग्राम अगर ज्याम बार कर दूंगा तो बार चार्ट बन जाएगा तो ये जी जी प्लॉट टू जो है इसको भी आप मेरी उन वीडियो से देख सकते हैं तो ये देखिए आपके पास हिस्टोग्राम बन गई जो कि क्लियरली एक सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन है फिर हमने बात की थी कि हमने नंबर ऑफ बिन्स को वेरी करना है कि नंबर ऑफ बिन्स बहुत कम भी ना हो और नंबर ऑफ बिन्स बहुत ज्यादा भी ना हो तो यू कैन कीप ऑन वेरिंग द नंबर ऑफ बिन्स तो यहां पे देखिए इस ये सेम कोड है लेकिन यहां हमने बिन विथ जो है वो फिफ्टीन कर दी और वी गेट दिस प्लॉट तो ये देखिए आपके पास जो है वो फिफ्टीन बिन्स का डेटा आ गया अब हम चाह रहे हैं कि ये जो हिस्टोग्राम है विद वन हंड्रेड फिफ्टी बीन्स हो जाए तो ये आप देखिए सॉरी ये आई थिंक देर इज देर इज लिटल इश्यू लेट मी चेक ओके

अब हम में एक सवाल पूछा जा रहा है जो स्टेटा में भी हमने देखा लैब में अगर आप लैब रीड करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि वो फ्लाइट्स जो लॉस एंजल्स जिनकी डेस्टिनेशन थी न्यूयॉर्क सिटी से वो चली तो इसका बहुत सिंपल हेडले विकम क्या करता है ये जो साइन होता है ये इक्वालिटी का होता है जैसे मैंने बार बार कहा है कि आप जाके वो वीडियोस पहले पहली चार पांच छह वीडियोस देख लीजिए तो यू विल गेट इट तो ये हमने इस डेटा का एक नया नाम दे दिया हमने न्यूयॉर्क सिटी फ्लाइट्स डेटा है दिस इज कॉल्ड पाइप ऑपरेटर और हमने फिल्टर कर दिया वो फ्लाइट्स जो के लॉस एंजेलस को जाती हैं तो लॉस एंजेलस फ्लाइट्स फिल्टर्ड एंड वी गेट इट और ये अब ये जो लेक्स फ्लाइट्स डेटा है ये सिर्फ लॉस एंजेलस फ्लाइट्स का है तो वो आपको यहां से भी पता चल जाएगा तो आप देखें तो यहाँ पे अब आपके पास फ्लाइट्स जो है 1583 रह गए हैं और 16 observation, आ, 16 variables हैं। अब अगर हमें इसकी बनानी है, है तो as it is, सारा कुछ सिर्फ data जो है, वो चेंज हो जाएगा बाकी एक्स एक्सिस पे डिपार्चर डिले होगा और जाम हिस्टोग्राम तो ये आपके पास वो डेटा है जो सिर्फ लॉस एंजल फ्लाइट डेस्टिनेशन वाला है अब अगर हमें समरी स्टेट चाहिए तो अगेन आप पाइप ऑपरेटर यूज करें एक है हम यहाँ पे जस्ट लिख रहे हैं समरी लैक्स फ्लाइट्स तो वो डेटा दे देगा तो ये जो आपके पास टाइडी वर्स पैकेज है इसमें हमने क्या किया कि ये आपके पास डेटा हो गया इस पे ये पाइप ऑपरेटर लग के मीन हमने कहा मीन डिपार्चर डिले क्या है और मीडियम डिपार्चर डिले क्या है गैस के मीडियम कम होगा या, या मीन कम होगा तो मैंने कहा था कि मीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है एक्सट्रीम वैल्यू तो यहां पे मीडियम जो है वो कम होगा मीन से और नंबर ऑफ फ्लाइट डेटा तो आप अगर यहां पे देखें अगर आपको यहां पे अगर आपको नजर आ रहा है तो ये देखिए तो न, 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 मीन जो है वो नाइन पॉइंट सेवन एट है और मीडियम जो है वो माइनस वन है तो मीडियम विल बी स्मॉलर देन मीन क्योंकि डेटा राइट सिक्योर्ड है वाइस वर्सा फॉर लेफ्ट सिक्योर्ड इसी तरह से अगर हम ये चाहें कि जी वो फ्लाइट जो एस एफ ओ जिनकी डेस्टिनेशन है और जो सिर्फ और सिर्फ फेबर के मंथ में थी तो यहाँ पे देखिए हमने ये डेटा को एक नेम दे दिया फेबर डेटा और यहाँ पे हमने फिल्टर कर दिया डबल इक्वल मंथ डबल इक्वल टू तो ये मेरे पास डेटा फिल्टर होके आ गया और ये मेरे पास अब दोबारा से इसकी समरी स्टेट्स आ गई जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि जी ये आपके पास किस एयरपोर्ट से और इंटर क्वार्टर रेंज क्या आ गई है फ्लाइट्स कितनी है और मीडियन क्या है अब अगला काम एक जो है वो अदर अग, अगर आप ये किसी और में करेंगे तो इट विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम हम ये चाह रहे हैं कि हर मंथ में कितनी फ्लाइट्स थी और उनका एवरेज डिपार्चर हर मंथ का एवरेज डिपार्चर डिले क्या था जो न्यूयॉर्क सिटी फ्लाइट्स का डेटा है और उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर दिया जाए तो हमने पहले फ्लाइट डेटा हमने ग्रुप बाई लिहाज से तो वो क्या करेगा हर मंथ वैसे तो जनवरी था फिर आपको तो मैनुअली तो ये करना बहुत ही एक कंबरसम जॉब है और इस पर आवर्स चाहिए तो अगर आप इसको इस इसके थ्रू करेंगे तो ये आप देखिए तो आपके सामने डेटा डिस्प्ले हो गया सबसे ज्यादा जो एवरेज डिले हुआ है वो जुलाई में हुआ है उसके बाद जून में हुआ है उसके बाद दिसंबर में हुआ है उसके बाद अप्रैल में हुआ है सबसे कम डिले जो है वो सितंबर अक्टूबर नवंबर वगैरह में होते हैं तो दिस इज दिस इज हाउ यू कैन लुक इन टू इट अब यहां तक बात हो गई अब आपको पता है कि हमने बात की थी क्लास में एक कैटेगोरिकल डेटा होता है तो कैटेगोरिकल डेटा को डिस्प्ले करने के लिए क्या करना होता है थिंक ओवर इट कंटिन्यूस के लिए हिस्टोग्राम टेगोरिकल डेटा की अगर हमें सिंगल वेरिएबल को देखना है तो वी हैव टू गो फॉर बार बार चार्ट चार्ट तो इस बार चार के लिए हम क्या कर रहे हैं अच्छा उससे पहले हमने दो वेरिएबल कैलकुलेट करने हैं तो नया वेरिएबल कैसे कैलकुलेट हो सकता है तो ये हमने लिखे न्यूयॉर्क सिटी फ्लाइट्स डेटा उसको सेम नेम दे दिया मोटेट हमने मोटेट एक वेरिएबल होता है डीप पायर में ये आप वही वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास डिपार्चर डिले लेस देन फाइव है तो हम कहेंगे फ्लाइट ऑन टाइम है अगर उससे ज्यादा है मिनट्स का डिले है तो हम कहेंगे फ्लाइट लेट है तो आपके पास ये वेरिएबल पहले कैलकुलेट हो गया अब हमने डिपार्चर टाइप अब हम डिपार्चर डिले नहीं ले रहे डिपार्चर टाइप तो डिपार्चर टाइप या टाइम या डिलेड दि, है तो डिपार्चर टाइप जो है कैटेगोरिकल वेरिएबल हो गया तो अगर आप इसका जाम बार ले लिया तो ये देखिए आपके पास एक नाइस प्लॉट आ गया ठीक है और आप इसको लेके चल सकते हैं लास्ट फाइनल बात रह गई है कि अगर आपको स्केटर प्लॉट बनानी हो बिटवीन अराइवल टाइम डिले एंड डिपार्चर डिले और आपसे ये कह दिया जाए कि जो कंपनी जो जो एयर कंपनीज हैं वो या ए ए है या डी एल है या यू ए है और इसी लिहाज से कलर भी आए तो ये वही जाम प्लॉट आपके पास आ जाएगा आप इसको जो है वो जी जी प्लॉट कैसे होता है मैं बार बार कह रहा हूँ कि वॉच दोज वीडियोज तो यू विल गेट इट तो ये आपके पास जो है वो तो uh, कमांड uh, आ की अब मैं जीजी प्लॉट ले रहा हूं इस डेटा पे तो पहले डेटा नेम आ गया अब यहाँ पे चूंकि स्केटर प्लॉट है तो दो वेरिएबल्स और दोनों न्यूमेरिकल होने चाहिए राइवल डिले और कलर किस लिहाज से कर दूं यूएडीएल और एए के लिहाज से जस्ट प्रेस इट कंट्रोल एंटर यू विल हैव दिस प्लॉट तो ये देखिए कलर प्लॉट जो है बड़े नाइस वे से आ गया तो आप चाहें तो इसको जो है वो जूम भी कर सकते हैं एंड यू कैन गेट इट तो ये आपके पास जो है वो लैब वन हमारी मुकम्मल हो गई आर टाइडी वर्स में थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर एक लैब में शायद जमोवी वाली रहती है तो जमोवी बहुत ही एक वो थ्री तीन पहियो वाली साइकिल है तो वो है तो वो आर में लेकिन इट्स वेरी जस्ट लाइक जैसे एस पी एस एस में क्लिक 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 करते हैं ये उस तरह से होती है तो यू कैन वॉच इट थैंक यू टेक केयर वाली वीडियो पिछले वाले पार्ट के साथ वो क्या है कि जी आप आर में जो कर सकते हैं तो आप ये देखिए कि इंट्रोडक्शन टू डेटा आर तो यहाँ पे आपने सारे कंटेंट्स लिखे वही वाले कोड लिखे ये देखिए ये जो है वो यहाँ पे ये कोड वही है जो हमने पहले लिखे थे और ये हमने नेम्स फ्लाइट्स और ये सारा कर लिया तो ये हमने कोर्स भी लिखे और साथ साथ हमने कमेंट्री भी लिखी और एंड पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से आएगा इस पे हम आर मार्कडाउन क्या होती है मार्कडाउन लैंग्वेज आजकल गूगल वाले भी यूज कर रहे हैं तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया तो आप देखिएगा एक नाइस डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा और वो डॉक्यूमेंट जो है वो बेसिकलीके इज हा यस अभी जनरेट हो रहा है तो ये देखिए आज की डेट में मैंने किया तो ये आपके पास एक नाइस डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया इंट्रोडक्शन टू डेटा तो ये आर के साथ जितना हमने काम जितनी कमांड्स करते हैं जितना हम साथ में कमेंट्री लिखते जाते हैं तो ये चीज जो है वो बाकी पैकेजेस में शायद इस तरह से करना जो है वो फिजिबल नहीं होता बहुत ज्यादा तो दैट्स वाई आर या पाइथन की बात की जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर